हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइनिंग वाला प्लाजो। तो ये हमने नेट लिया है और ये इसकी लाइनिंग ली है। तो ये 2.25 मीटर है और ये कपड़ा हमारा 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें डबल लेयर करना है और उसके बाद इसे 4 लेयर करना है। अब देखिए, इसका इस तरीके से आर्च है और ये हमने फोल्ड कर लिया है। और अब ये हमारा 4 लेयर में, अब इसे हमें इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है। तो अब ये हमारा 8 कट में हो गया है, यानी 8 लेयर। तो यहाँ से इसका बॉटम रहेगा, ये ऊपर से कमर वाला हिस्सा रहेगा। तो इस तरीके से इसे हमने बिल्कुल इकसार कर दिया है। तो ऊपर हम ज़्यादा प्लेटें नहीं लेंगे और नीचे से ये काफ़ी घेर वाला आएगा। सबसे पहले हम ऊपर का कमर का नाप लेंगे यहाँ से। तो हमारे जो कमर का नाप है वो है 32। तो 32 का हमें यहाँ पर फोर्थ भाग लेना है। तो ये यहाँ से 8 इंच पर एक मार्क करेंगे और 1/2 इंच लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से हमने 8.5 इंच पर मार्क किया है। आप चाहे तो इसमें प्लेट डालना चाहे तो एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी जो भी कमर का नाप हो उसका तीसरा भाग लें। तो यहाँ पर हमें ऊपर 2 इंच कपड़ा छोड़ना है जो हमारा फोल्ड होगा प्लास्टिक के लिए। उसके बाद हमें अपना तीसरा भाग लेना है। तो यहाँ पर आएगा 10.25 इंच। 10.25 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और इस मार्क को सीधा हम ला देंगे। और यहाँ से इसके बाद हमें देखिए 3 इंच लेना है इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से सेप डाल लेंगे। ठीक है, अब इस मार्क को हमें इस मार्क से मिलाना है। लेंथ आप अपने हिसाब से रखें, जितनी आप इसकी पहनना चाहते हैं, जितनी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से रखें। तो अब यहाँ से देखिए, इसकी जो फुल लेंथ होगी वो तैयार होगी 37 इंच। आप ज़्यादा कपड़ा लें, अगर आपको ज़्यादा लंबा बनाना है तो कम बनाना है तो कम कर दें। अब सेम इसी तरीके से इसकी सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर से एक्स्ट्रा को निकाल देंगे। एक्स्ट्रा को हमने निकाल दिया है। यहाँ से हल्की सी सेप चाहे तो इस तरीके से डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और ये नीचे से जॉइंट हम इसे भी अलग कर लेंगे। खोलने के बाद हमें इसे यहाँ से अलग करना है। सॉरी, वो गलती से हमसे 8 लेयर भूल गया था, लेकिन हमने कपड़ा 4 लेयर में रखा है और पहले डबल लेयर था, फिर हमने इसे 4 लेयर कर लिया था। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है, वो गलती से मिस्टेक हो गई थी, 8 लेयर भूल चुका है। तो अब इसकी लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग को हमें इसी तरीके से सेट रखना है। तो लाइनिंग को भी हमें 4 लेयर करके रखना है जैसे हमने कपड़े को रखा था। देखिए, लाइनिंग को हमने 4 लेयर करके रख लिया है और इसके ऊपर हमने इस कपड़े को रख लिया है। और ये जो नेट वाला कपड़ा है इसे हम बड़ा रखेंगे, इसे नीचे तक लाइनिंग को नहीं लगाएंगे। और अब सेम इसी तरीके से यहाँ से कट करेंगे। सेम इसी तरीके से इसे इसके बराबर, सेम इसके बराबर इसको कट कर लिया है। और ये पीस भी हमारा नीचे से जॉइंट है तो इसे अलग कर लेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर हमें इसको रख लेना है बिल्कुल बराबर लाइनिंग को, और यहाँ से पिन अप कर लेंगे। तो अब देखिए, इसे हमने पिन अप कर लिया है और ये एक तरफ रेडी है एक पीस। और इसी तरीके से सेम हम दूसरे पीस को भी पिन अप कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पीस को भी पिन अप कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इसके ऊपर देखिए, ये हमने अभी सीधा रखा है और इसके ऊपर इस दूसरे वाले पीस को हमें उल्टा रखना है।
यहाँ से इस तरीके से, और इसके आसन पर हमें सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है दोनों आसन के ऊपर। अब देखिए इसमें हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, अब इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से खोलना है। तो अब इसमें हमें यहाँ से नीचे से सिलाई लगानी है बॉटम की तरफ से, इन पीसों को बिल्कुल एक साथ पकड़ते हुए तब सिलाई को लगाना है। तो यहाँ से लगाएंगे और इसको लगाएंगे, फिन को निकालते हुए चलेंगे और अच्छे से इस चारों पीस को बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे यहाँ से, और तब इसमें सिलाई लगाएंगे। आसन से हमें नीचे उतार लेना है सिलाई को। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पैर की तरफ से सिल के लेके आना है। तो अब देखिए इसी तरीके से हमें ये दूसरे बॉटम से सिल के लेके आना है। हमने पूरे बॉटम से सिल लिया है और इसके बॉटम पीस पे हम दोनों पीस के ऊपर पाइपिंग करेंगे, सॉरी पीको कर लेंगे, इस दोनों के ऊपर पाइपिंग नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम पीको कर लेंगे दोनों पीस के ऊपर। अब इसके हमें ऊपर से नेफे को फोल्ड करना है, तो पहले हम हाफ इंच का फोल्ड लेंगे और दूसरा फोल्ड हम डेढ़ इंच का लेंगे इस तरीके से। इसमें इलास्टिक डालेंगे तो इसे चौड़ा ही रखेंगे। इसको अच्छे से बराबर फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा मार्जिन खुला रखना है जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है। तो हमने ये करीब 2 इंच खुला छोड़ दिया है, इसे बाद में सिल लेंगे इलास्टिक डालने के बाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी तरीके से ये हम पूरे नेफे को फोल्ड करेंगे। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है वरना झोल वगैरह पड़ जाएगा, और बिल्कुल बराबर रखते हुए इसे फोल्ड करना है। अब देखिए इसमें हमें इलास्टिक लगानी है और जितनी भी आपकी कमर है इलास्टिक हमें उसी हिसाब से लगानी है। तो जितनी भी आपकी कमर है उस हिसाब से इलास्टिक को नापें और इलास्टिक हमें 6 इंच कम रखनी है अपनी कमर की नाप से। तो यहाँ पर देखिए हमें हमारी 32 इंच है तो उससे हमें 6 इंच कम रखनी है। तो यहाँ पर हम 26 इंच पर मार्क कर लेंगे यानी 26 इंच पर। तो ठीक है, अब यहाँ से हमें इस इलास्टिक को डालना है सेफ्टी पिन की मदद से। ये जो हमने खुली हुई जगह छोड़ी है इसमें से हमें इसे डाल लेना है पूरे को और फिर इसको बंद कर देंगे और बीच में आप चाहे तो एक सिलाई लगा सकते हैं, इसे डाल लेंगे पूरे को। अब ये लाइनिंग वाला प्लाजो बनके कंप्लीट हो चुका है। ये किस तरीके से बनाया है हमने आपको बता दिया है, इसकी हमारे पास काफ़ी सारी कमेंट आई थी कि लाइनिंग वाला बताओ, तो वो हमने बता दिया है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।